नमस्कार, आप देख रहे हैं शेर समाचार और मैं हूं स्वप्निल पचियाला। आपको बताता चलूं, जितने भी नेशनल हाईवे में चाहे वो घर हैं, चाहे वो ढाबे हैं, चाहे वो होटल है, उनको हाईवे डिपार्टमेंट द्वारा NHAI द्वारा जो है तोड़ा जा रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए क्या क्या कहने चाहिए, क्या आपको कुछ बताया गया था पहले? उसे पहले कोई फोन की तो कोई सुनाया उसे मुझे बताइए आपको क्या पहले किसने कुछ बताया था कि तोड़ना है? कुछ नहीं बताया। आयो तोड़ दिया, कुछ नहीं बताया। सुबह बच्चे सोए हुए थे, पहले 6 बजे आए, फिर हमारे हमें इनको भाग दिया। फिर ये सरदार जो दल्ला आया यहाँ पे, क्या ये क्या था, ये घर है कोई आपका? ये हमारा घर है। अच्छा, इसके ये बच्चों ने आज शनि माँ मांग कर इन्होंने ये 2-2 रुपए जमा कर कर ऐसा घर ये बनाया हुआ था। क्या काम करते हैं यहाँ पर ये बच्चे? ये आज पहले शनि मांगते थे, आज ये करते हैं, ये किसी के दुकानों में काम करते हैं, इनकी महिलाओं जो है किसी के घर में काम करती है। आज इन्होंने ये थोड़ा सा बहुत चलो बना दिया, इन्होंने हमको वहाँ पे भी। घर में कितने लोग रहते हैं? इनके घर में रहते हैं 50 लोग रहते हैं, ऐसे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि NHAI का काम के बिना बताए ये घर पर जो है पीला पंजा चला दिया गया, तोड़ दिया गया। क्योंकि ये देखें आप, ये देखें आप, तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग, ये देखिए आप, क्या मांग करते हो? कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमको ठिकाना बना दीजिए। नहीं, हमको ठिकाना चाहिए सर, हमें जैसा हमारा घर था ऐसे हमें बना, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जो नुकसान भरा है इन्होंने नुकसान जो है हमें भर के दे दे। लोगों से हम बात करते हैं, क्या क्या हुआ, पूरी बात बताए हमें, क्या हुआ था सर? हमें देखिए ऐसे पता नहीं चलेगा, पूरी बात नहीं पता चलेगी। आप मुझे पूरी बात बताए क्या हुआ? यहाँ पे आए ये तो बोलने लगे, हमें बच्चे सुबह सोए हुए थे, बच्चे सोए हुए थे यहाँ पे, इनको नहीं मालूम था सुबह 7 बजे कौन उठता है, कोई अपनी नींद हराम नहीं करता है। तो ये आई मशीन आई, मशीन आई, मनेरी चौकी, ये मनेरी तोड़ दी इन्होंने, मनेरी तोड़ दी। तो मैंने मशीन के आगे में ऐसे अभिसार मेरे मतलब सामान निकालने दे। जी मुझे ये बताएं, अगर अब आपकी जो समस्या हल नहीं होती तो क्या करने वाले हैं आप? अब हम ये कह रहे हैं नेशनल हाई रोड बंद करेंगे, हम कोई बंद करने वाले हैं। ये देखें आप, नेशनल हाईवे बंद करने की बात चली कही जा रही है कि जिस तरह गाड़ी जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर जाएगा जी, ठीक, हम गरीब जनता मर जाएंगे। ये देखे NHAI डिपार्टमेंट द्वारा ये घर की हालत देखे आप, वीडियो नहीं सुखाऊंगा, आज ही दिखाए हालत, दिखाए घर की कि क्या पूरा पीला पंजे से पूरा नष्ट जो है घर को कर दिया गया। क्योंकि एक एक रुपए जोड़ कर ये जो घर था बच्चों ने मनाया था, इसमें फैमिलीज रहती थी, पर आज जो है ये घर NHAI द्वारा तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, पीला पंजा यहाँ पर चला दिया गया। जिस तरह से बता रहा हूँ, सुबह से ही नेशनल हाईवे में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई हैं, चाहे वो होटल हैं, ढाबे हैं, घर हैं, वो बिना बताए आज NHAI द्वारा तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए आप, लोगों में देखिए रोष, काफ़ी रोष है, लोग रो रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, अभी दिखाइए आप, पूरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। ये देखिए ये देखिए पथराव, ये देखिए पत्थर, बड़े पत्थर मारे जा रहे हैं, ये देखिए पथराव किया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर पथराव जो है, अब पथराव हो रहा है और गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए आप ये देखिए पथराव तक की नौबत यहाँ पर आ गई है, नेशनल हाईवे पूरा बंद कर दिया गया है। ये देखिए हर कोई गाड़ी मोड़ कर जा रहा है वापस, नेशनल हाईवे दिखाने की ये वीडियो है।
इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखिए किस तरह से लोगों में रोष है यहाँ पर। देखिए आप ये देखिए यहाँ पर तमाम जितने भी जो कृषक जो घर बने हुए हैं, चाहे वो घर हैं, चाहे वो ढाबे हैं, चाहे वो होटल है, उन्हें यहाँ पर तोड़ा जा रहा है यहाँ पे NHA द्वारा, और उसी के लेकर ये लोग रोष में हैं क्योंकि एक एक रुपया जोड़कर इन लोगों ने अपना घर बनाया था और NHA द्वारा ये घर तोड़ दिया गया और उसी को लेकर आई लोग रोष में है। ये देखिए पूरा का पूरा हाईवे जो है उन्होंने जाम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि सुबह 7 बजे NHA द्वारा इनका घर जो है एक एक रुपया जोड़कर इन्होंने अपना घर बनाया था। ये देखिए शनिवार मांगते हैं हम सर, शनिवार मांगते हैं डुब डुब बस्ती मांग के खाते है, तो हमने थोड़ा बहुत घर बनाया था वो भी तोड़ दिया गवर्नमेंट। ये देखिए पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए सामने बताया था तो हम क्या कुछ नहीं बता नहीं मुझे बताया आपको कुछ नहीं बताया था। ये देखिए बिना बताए कोई भी इनको कोई जानकारी नहीं थी, सुबह पीला बन जाता है लगभग 7 बजे के करीब और इनका घर जो है नष्ट करके चला जाता है। ये लोग देखें ये एक एक रुपया जोड़कर इन्होंने ये मकान बनाया था, चाहे वो ढाबों की बात करूं, चाहे वो होटल की बात करूं, सब जो है सुबह 7 बजे के लगभग तोड़ दिए गए हैं। ये लोग काफ़ी रोष में हैं, हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे लोग। ये देखिए पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए पुलिस के लोग यहाँ पर आ गए, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आ गई है मौके पर, क्योंकि जिस तरह से पहले यहाँ पर पथराव भी जो है किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई। नायब तहसीलदार सलीम मोहम्मद सलीम भी यहाँ पर हैं। ये देखिए प्रशासन की टीम व पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर आ चुकी है। ये रोड जो बंद किया गया था डुगडुगो बस्ती द्वारा वो खोला जा रहा है, क्योंकि डुगडुगो बस्ती नहीं, ये लोग जो थे एक एक रुपया जमा करके इन्होंने ये घर तैयार किया था और ये घर जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम रीता है। रीता जी क्या हुआ था पूरा पूरी बात बताएं। सोए थे तो ऐसे हम सोए थे, बच्चा हमारे सोए था तो बच्चे अंदर ही थे, हम सब अंदर ही थे तो ऊपर से जेसीबी लगी थी बस। आपको पता ही नहीं था कि कोई जेसीबी काम कर रही है बाहर घर तोड़ रही है? हमको कुछ भी नहीं पता था, बस जेसीबी तो हमारे तो कोई घर हम डूबे हम मांग कर खाने वाले है। 15 साल हो गए पति की डेथ हुई है, ये बच्चे छोटे छोटे थे, मिन्त मजदूरी किया, छनी मांगा, हम डुबडुबे पड़े थे, छनी मांग कर बच्चा ये बनाया था। उधर से बच्चा बहुत मुश्किल से बनाया, मैं विवाह औरत हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं बैठने के लिए, मैं बच्चों को खाली जाऊंगी, मुझे ये सुना बच्चों, मेरे बच्चे बुरे उर्दू बैठे कहीं तरफ हो गएंगे, मैं बच्चों को खाली जाऊंगी। मोदी ने हमारा लिए ये किया है क्या? मोदी ने ये किया है, मोदी ने ये किया, हर कोई देख रहा है क्या मांग करते हैं? सबको कोई विवाह औरत है उसको खाली कर दो, उसके घर खाली कर दो, मैं कहाँ जाऊँगा, बोल जा मुझे सुनाओ ना। चलिए देखें लोग काफी इमोशनल हैं क्योंकि इनका घर जो है आज तहे नहस कर दिया गया है पूरी। ये देखिए पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर आ गई क्योंकि जब ये घर तोड़ा गया उसके बाद ही यहाँ पर पथराव जो कि शुरू हो गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई, उसके बाद से पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि कल को कुछ भी यहाँ पर हादसा ना हो। ये देखिए आप, अब कहीं ना कहीं जब पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आती है उसके बाद से ये जो ट्रैफिक है वो खोल दी गई है। मैं नायब साहब से बात करूँगा, तहसीलदार साहब से, कि जिस तरह से यहाँ पर जो बिना बताए यहाँ पर जो तोड़े जा रहे हैं घर तोड़े जा रहे हैं तो क्या है, क्योंकि जिस तरह से सुबह से ही हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं, चाहे वो ढाबे हैं, चाहे वो होटल हैं, चाहे वो घर हैं जो इलीगल जो तरीके से जो घर बनाए गए हैं रोड पे, उनको जो है आज पीले पंजे द्वारा तोड़ दिए गए हैं। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ साफ दृश्य, ये जखैनी चौक से है कि यहाँ पर डुगडुगा बस्ती द्वारा यहाँ पर ये घर जो तैयार किया गया था उसको आज जेसीबी आकर पीले पंजे द्वारा यहाँ पर तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद से ही
इन लोगों ने रोड हाईवे जो था वो जाम कर दिया, कहीं ना कहीं पथराव भी उन्होंने शुरू कर दिया, कई गाड़ियां तोड़ी हैं। इसी के साथ मुझे मेरी वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।